एक चीज मैंने देखा है कि मैक्सिमम परिवार में जो है कलह या कह सकते हैं अशांति का माहौल बना रहता है पैसे को लेकर के। ऐसा नहीं है कि उनके पास कमाई नहीं है, पैसा नहीं है या कोई और दिक्कतें हैं, सिर्फ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि उन्हें बजट जो है सही तरीके से नहीं बनाने आता है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि अरे यार अगर मैं बजट बना लूंगा तो शायद मेरा हर महीने का जो है सही से शेड्यूल हो जाएगा, सारा चीज़ सही हो जाएगा और टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। ये चीज़ अधिकांश घर में है, इस बात को तो आप भी एग्री करते होइएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अभी के दौर में जितने भी परिवार के लोग हैं, मतलब कि जितने भी लोग हैं अपने परिवार में बजट बनाएं, और इसका ज़रूरत क्यों है इस चीज़ को समझना, मतलब ऐसे समझिए आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि किस चीज़ पे कितना खर्च करना है तो शायद आप परसेंटेज के रूप में जहाँ पे नहीं खर्च करना है, इस बात को ध्यान रखिए, जहाँ पे नहीं खर्च करना है, आज के इंटरनेट के ज़माने में, गूगल पे फोन पे के ज़माने में हम लोग वहाँ पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं जहाँ पे नहीं खर्च करना, और उस जगह पे जो है खर्च नहीं करते हैं या लास्ट महीने होते होते जो है वहाँ के लिए पैसा नहीं बचता है जहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अकेले हैं तब तो कोई बात नहीं है, बैचलर लाइफ जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपका जो है खर्चा जो है पेरेंट्स के बदौलत चल रहा होता है, आपके पास पॉकेट मनी रहता है, या साइड से अगर कोई इनकम जनरेट भी कर रहे हैं तो भी आपको अगर कमी हो जाता है तो आपके पेरेंट्स दे देते हैं, आपके गार्जियन दे देते हैं। लेकिन अगर आप खुद घर चला रहे हैं या आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है तो ऐसे में उन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अब आपको ज़रूरत है कि हर महीने का आप बजट बनाइए। ऐसे समझिए कि आपको ज़रूरत क्यों हो बजट बनाने के लिए, ऐसा क्या है कि आपको हर हाल में बजट बनाना है, ऐसा रीजन, एक फंडामेंटल रीजन। ऐसे सोचते हैं ना कि मैं ये काम मतलब क्यों करूं, कोई काम करना है तो ऐसा कोई रूट कॉज दे दिया जाए तो फिर आप वो काम करिएगा। आपके मन में एक सवाल आएगा, चलो यार कौन बनाता है रोज रोज का, कौन लिखेगा ये चीज़। मैंने कैसे फील किया, मैं सिंपल एक राशन की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि आप राशन का सामान लेने जाते हैं, किराना स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट ले रहा था, जो भी सामान ले रहा था, जो भी किचन का सामान ले रहा था, तो उसको मैंने बोला कि बिल बना करके दे दीजिए। तो वो मुझसे एक दिन सवाल पूछ दिया कि अजय जी अच्छा ये बताइए आप जो भी सामान लेते हैं उसको जो है एकदम रिटेन में क्यों हर बार लेते हैं, और सारे सामान के साथ उस सामान का नाम, वो कितना वजन और उसका क्या प्राइस है, ये सब जो मेंशन करके हर बार रखवा देते हैं, ऐसा क्यों। जब मैंने उनसे बताया कि बात यह है कि ये सारे को मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, तो थोड़ा सा हंसने लगे वो, मतलब एज उस बंदे का ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में कुछ दिनों के बाद जो है जब उनके पिताजी से मुलाकात हुई और यही चीज़ मैंने उनको बताया, जबकि उनका लड़का मतलब जो पहली बार मुलाकात किया था वो उनके पिताजी सामने थे, तो बोले ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके समय में बजट बनाया जाता था, और ये चीज़ मैंने कब सीखा, मेरे घर में जो पाल पोस करके बड़ा किए और वो हैबिट अपनाए हुए थे, तो ये चीज़ मैं बचपन से देख रहा था कि हर काम के लिए वो मतलब दिन भर में कितना खर्च किए वो चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, वो चीज़ रिकॉर्ड में मेंटेन डायरी में लिख रहे हैं। आपको मालूम होगा एक समय आता था ठाकुर प्रसाद का जो डायरी आता था, उस ठाकुर प्रसाद के डायरी को जो है उस समय के लोग जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसमें एक एक चीज़ मेंशन रहता था, तो उस डायरी में जो है सारा चीज़ मेंशन किया गया रहता था कि आज कहाँ कहाँ गए, किन लोगों से मुलाकात किए, उनके पीछे कितना खर्च हुआ, कहाँ से इनकम हुआ, मतलब पर डे का है, और महीने का लास्ट में जो है कैलकुलेट कर दिया जाता था कि इस महीने इतना इनकम हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ, किसको मैंने उधार दिया, किससे उधार लिया, ये सारी चीज़ मैं समझाता था। आज मैं ज़रूरत समझ रहा हूँ कि इस चीज़ का कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक परिवार को, एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए पीसफुली लाइफ जीना है। देखिए पैसा तो सब कोई कमा रहा है, नो डाउट, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन अक्सर परिवार में मैंने देखा है कि वो टेंशन में जीते हैं, उनके पास जो है इनकम का सोर्स अच्छा खासा है फिर भी उन्हें जो एसेंशियल चीज़ के लिए पैसा नहीं बचता है, या घर में कब किसको कितना पैसा देना है, किस चीज़ के लिए खर्च करना, ये बैलेंस नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप उसका बजट बनाइए, मतलब अपने परिवार का बजट बनाइए, इसको ऐसे सीख ले सकते हैं। अभी रिसेंटली अच्छा ये बताइए, अभी हाल पे चर्चा हुआ है बजट के बारे में, कौन यूनियन बजट के बारे में, इससे पहले इंटरिम बजट के बारे में चर्चा हुआ था, हम सभी लोग ध्यान से देख रहे थे इस बार बजट में क्या आ रहा है ना। इसके बाद जो है चर्चा भी हो रहा था,
विपक्ष भी इस पर हमला हुआ, बजट में कुछ नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट बहुत कुछ है, गरीबों के लिए है, मिडिल फैमिली के लिए है। इसका ट्विटर भर गया था बजट से रिलेटेड, पूरा मीडिया हाउसेस भर गया था, बजट से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो थोड़ा तो हम लोग सीख लें कि यार इस लेवल पे पूरे देश को चलाने के लिए जब बजट की ज़रूरत है, क्या हमारे परिवार को चलाने के लिए बजट की ज़रूरत नहीं है, फैमिली के लिए बजट की ज़रूरत नहीं है? है। उस बजट में क्या होता है, यूनियन बजट में अपने देश का जो बजट आता है उसमें क्या होता है, यही ना होता है कि पूरे साल में क्या क्या तरीका है जिससे कमाई का जरिया है उससे इतना पैसा आ सकता है, ये एक एस्टिमेट किया जाता है। इसके बाद एस्टिमेट किया जाता है कि अगर वो पैसा है इतना आ सकता है तो उसको किस काम के लिए कितना खर्च करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, हेल्थ पे कितना खर्च करना है, इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर कितना खर्च करना है, रोड पे कितना खर्च करना है, बिल्डिंग्स पे कितना खर्च करना है, ये सब देखा जाता है। और इसके बाद न्यूज बन के आता है कि इसके लिए जो है इतना फंड एलोकेट हो गया। इस बार जो है पूरे बजट में एक चीज बहुत ज्यादा रहा और वो बजट में रहा कि बिहार को जो है इतना 1000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ। ये क्या है, यही तरीका अगर आप अपने घर में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बिलीव मानिए कि आप बहुत पीसफुली लाइफ जिएंगे। प्लस में आपको जो इनकम जनरेट हो रहा है, आपके पास जो भी इनकम है उसको कहाँ पे क्या खर्च करना ये पता रहेगा, तो आपका वो काम जो बहुत ज़रूरी है वो रुकेगा नहीं, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें आप ज़्यादा टेंशन नहीं लगाएंगे और बाद में पछताएंगे ही नहीं। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, वो पछताते हैं। पछताते इन द सेंस क्या है, कोई सामान खरीदना नहीं है, इमोशन में आ गए, या एक ट्रिगर किया दिमाग में कि यार ये ले लेते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, मॉल में गए। और मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मतलब जब से गूगल पे आया, फ़ोन पे आया, तो लोगों के बैंक में पैसा है, ये सामान पसंद आया, QR कोड पे जो है स्कैन किया, पेमेंट कर दिए, घर पे आए, बाद में पता चला अरे यार इस काम के लिए बहुत ज़रूरी था, ये तो लिए ही नहीं। अब पछतावा हो रहा है कि उस चीज़ को नहीं लेते तो अच्छा रहता, काश ऐसा करता। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है कि फ़ोन पे, गूगल पे, या कह लीजिए कि इंस्टेंटली पेमेंट जो है इतना फास्टली रियल टाइम पेमेंट सिस्टम आने के बाद जो है लोगों का बचत टूट रहा है, लोग बचत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पूरे वीडियो का एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट रहा कि बजट बनाना ज़रूरी है, कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बजट के लिए ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आपका जो टोटल इनकम है उसको एक्सपेंस जो मतलब खर्च जो करना है तो उसको कितना परसेंटेज किस पे खर्च करना है। जैसे आपका खर्च एसेंशियल क्या चीज़ हो जाएगा, अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट, अगर घर जो है लोन पे लिए हुए हैं या बनाने में लोन है तो उसका EMI पहले उसको साइड कर दीजिए, जो देना ही देना है, अदरवाइज आपको फाइन लगेगा और हो सकता है आपका अकाउंट NPA हो जाए तो आपको दिक्कतें भी हो जाएगी, तो वो तो आपको चाहिए। इसके बाद सबसे ज़रूरी है खाना, रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, तो खाना तो एकदम ज़रूरी है। तो आप एक एस्टिमेट बनाइए कि मुझे जो है महीने में, अगर आप मान लीजिए वेजिटेरियन है तो आपको पता होगा कि सब्जी के लिए इतना चाहिए, और स्पेशली कुछ बनना है तो उसके लिए मतलब एक देखिए एकदम ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हैं, एकदम रूट लेवल पर जा रहे हैं ताकि कि आप बजट बनाएं और इसको फिर अपने लेवल पे मतलब एक्सपेंड करते करते आप जो है इस तरह से बना लें कि आप एकदम टेंशन फ्री जिएंगे। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे खाना पे कितना खर्च करना है, अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसके लिए, तो ये सबसे एक राउंड फिगर बनाइए कि मुझे हर महीने जो है इतना तो खर्च खाना पे जाएगा। तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कपड़ा तो हर महीने खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक मिसलेनियस में रख लीजिए कैटेगरी में। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि हेल्थ इशू से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत होगी उस चीज़ को, तो ये जो हर महीने फिक्स है एजुकेशन पे, किसी का ट्यूशन फी देना है या कहीं पे खर्च हो रहा है, तो ये सब पहले फिक्स कर लिए कितना जो है खर्च होना है। और इसके बाद जो है अब आप डिसाइड करिए कि आपको इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करना है, घूमने जाना है ट्रैवल पे कितना खर्च करना है, इसके बाद लग्जरियस चीज़ है या कुछ मान लीजिए कि जैसे लेना है कि मुझे कपड़ा चाहिए तो कपड़ा के लिए कितना खर्च करना है, ये सब अलग कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए और उसको जो है एकदम कॉलम बाय कॉलम रिटर्न में लिख लीजिए। अब जब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इनकम इतना है और ये जो है एकदम सॉलिड रीजन है जहाँ पे हर हाल में खर्च होगा ही होगा, तो उसको जो है जैसे कि अगर मान लीजिए 50,000 रुपया महीना आप कमा रहे हैं और आपका एसेंशियल खर्च जो है 40,000 अगर 40,000 रुपया हो जाता है, मतलब क्या है, अब आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया है जिसको आप या तो बचा लीजिए या तो इधर उधर खर्च कर लीजिए।
बचा लीजिए का मतलब है अब आपको इन्वेस्टमेंट भी इसी में ही करना है, क्योंकि अगर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट अगर अभी शुरू नहीं करेंगे तो अब आपको कब क्या इमरजेंसी आ जाएगी और उस समय आपके पास सेविंग नहीं रहेगा या पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं रहेगा, पैसा ग्रो नहीं कर रहा होगा, तो बाद में पछतावा होगा कि यार जितना भी कमाया सब खर्च कर डाला, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको देखिएगा वो जो बात कहते हैं, हो सकता है कि अभी के एज ग्रुप के लोगों को चिड़चिड़ा लगे, खराब लगे बात, लेकिन उनका फोकस रहता था बचत पे, और बचत पे फोकस रहने के कारण जब भी आप गौर करिए कि आप जिस भी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इससे पहले आपका फैमिली जो है बहुत पुअर हुआ करता था, और वो जो है धीरे धीरे ग्रो किए, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बचत पे ध्यान दिया, वो बचा करके वो जोर जोर करके बनाए हैं इतना तक। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट इतना सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, मनी मैनेजमेंट टिप्स ले रहे हैं, या इसी वीडियो को ले लीजिए कि बजट की जरूरत पड़ रही है, पहले के लोग जो है वो कर रहे थे, उन्हें एजुकेशन नहीं था, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास कोई जो है मेंटर नहीं था, फिर भी वो लोग कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, तो वो चीज़ हम लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करें। अब लास्ट में सवाल मन में आएगा आपको कि यार एक काम करो, इसको रिटेन में लिख लेते हैं, मतलब कि कॉपी पेन पे। ये सवाल एक और आएगा, कब तक लिखेंगे, कहाँ कहाँ लिखेंगे, कहीं पे कुछ खर्च किए लिखेंगे तो मेरा दोस्त क्या कहेगा, है ना, डायरी मेंटेन कर रहा, लिख रहा, अरे कॉपी पेन लेकर के आ गया, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। अब आपके लिए तो बेहतर तरीका अभी है, क्या है, अब है एप्लीकेशन। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड कोई नहीं कर रहा हूँ, ढेरों जो है प्ले स्टोर पर है, लेकिन जैसे मनी मैनेजर करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप इनकम मेंशन कर देंगे और इसके बाद जो है कैटेगरी सब कैटेगरी सब कुछ मेंशन कर दीजिए, और जो भी खर्च जिस वक्त हो रहा है, तो जनरली लोग समझेगा कि मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, वो तो देखने आ नहीं रहा है, झांकने तो आ नहीं रहा है, है ना। तो आप उसमें एंट्री करिए और उसमें फुल डिस्क्रिप्शन लिखिए, जो भी जिस टाइम में खर्च जिस डेट को हो रहा है वो सारा डिटेल वहाँ पे अवेलेबल रहता है। इससे क्या होगा, फिर आपको एक ग्राफ मिलेगा, आपको वहाँ पे पैटर्न मिलेगा कि आप जो है एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, बेसिक एसेंशियल जो नीड है उस पर कितना खर्च हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, टोटल आपका इनकम कितना, खर्च कितना और बचा कितना पैसा है, वो एकदम मॉनिटर होते रहेगा, है ना। लोगों के मन में आता है मेरा तो 50,000 का सैलरी है ना, और पता चले इधर 40,000 खर्च पहले से बैठा हुआ है, 10,000 बचा हुआ है, और फिर जाकर वो EMI पे जो है 50,000 का 1,00,000 का कुछ सामान ले आते हैं और फिर EMI उसमें इंक्लूड हो जाता है, और बाद में कोई जरूरत पड़ता है तो पैसा नहीं रहता, रोते रहते हैं। बताइए, ये जितना भी चीज़ मैंने बताया इसमें कहीं पे भी मैंने कोई गलत पॉइंट बताया, आप लोग भी बताइएगा, मैंने कभी कोई गलत पॉइंट बताया? अगर आपको लगता है कि बजट बहुत ज़रूरी है और ये बनना चाहिए तो आप बनाइए, और अपने सभी सर्किल के लोगों को शेयर करके उन्हें बताइए कि लाइफ में पीसफुल जीना है, शांति से जीना है, तो हम सभी लोगों को बजट बना के चलना पड़ेगा, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना।